अवार्ड में मैं आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि संजय शर्मा और बाकी टीम और रामदास आठवले जी, ये सब से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, इनसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और मैं तो इनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब बढ़ता जाए, ऐसा ही खूब बढ़ते जाए ऐसे ही तेरे नाम। सुनिए, क्या कुछ करेंगे कि रामदास आठवले जी भी आने वाले हैं और उनके बारे में क्या कुछ है? रामदास आठवले जी की खासियत ये है कि वो आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं, इतने खास होने के बावजूद भी आम लोगों से बहुत जुड़े रहते हैं। अवार्ड फंक्शन के लिए कोई भी कलाकार हो, उन्हें अगर रिक्वेस्ट करता है तो समय निकाल के पहुंच जाते हैं। उनको सलाम है, भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, फिल्म का भी आज लॉन्चिंग है, अभी कितना लॉन्च किया? बहुत अच्छा नाम है फिल्म का, माँ पर नाम है ना, सॉरी मदर, बहुत अच्छा। मदर को जितना आप सॉरी और थैंक यू बोलते रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमने अनजान में पता नहीं माँ का दिल कितना दुखाया है, सॉरी बोलना ज़रूरी है। और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके कितने एहसान हैं, कितनी कृपा है हम पर। वो ना होती तो पहली बात तो हम भी नहीं होते, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो निस्वार्थ प्यार सब कुछ ममता जो दी है, तो सॉरी मदर और थैंक यू मदर बोलना चाहिए, जिस पर मुझे लगता है कि सॉरी मदर बन रही है, इनका पार्ट टू थैंक यू मदर भी होगा। सो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। यंग अचीवर अवार्ड में जितने भी लोग विजेता लोग हैं, जो कोरोना काल में सामाजिक सेवा के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है संजय अमन जी के द्वारा, ये बहुत गौरव की बात है। और इसमें मुख्य अतिथि जो हैं रामदास आठवले, राज्य केंद्र मंत्री हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें मुझे भी बुलाया गया है, मैं भी एक दर्शक के रूप में आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ साथ में जो इनका मूवी है सॉरी मदर, ये बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। जिस प्रकार से आज माँ को आदमी लोग छोड़ के चले जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, और माँ को फिर ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है, तो ये सब चीज़ को अगर माँ के प्रति लोगों को रुझान कराना और माँ के प्रति उनका एक विश्वास दिलाने के लिए सॉरी मदर के नाम पे जो ये मूवी बना रहे, इसका मुहूर्त है आज। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, संजय अमन जी को, और इसी तरह आगे और भी मूवी इसी तरह बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भारती पत्रिका है, वो भी अवार्ड दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गौ माँ भारती अवार्ड उन लोगों को देती है जो लोग समाज में सक्रिय रहते हैं, जो भी कोरोना काल में समय जो लोग बहुत ही लोगों की सेवा किए हैं, ऐसे संगीतकार हों, पत्रकार हों, जो भी लोग हैं जो सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं, उन लोगों को गौ माँ भारती के द्वारा सम्मान मिलता है। थैंक यू।
मेहनत की, और थैंक यू बोलना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी की, विकास विशाल भैया की, और थैंक यू सर। आप कहेंगे? जी जी, ये मेरी बहन है, मुझे प्राउड है इस पर, और इन्होंने बहुत मेहनत करी कोविड में, बहुत लोगों की हेल्प करी, और उस हेल्प को लेकर आदरणीय मंत्री जी ने, विकास जी ने इनको उस चीज़ का नजराना पेश किया, उस चीज़ का मेहनत को देख के उन्होंने इनको अवार्ड देने के लिए सोचा और इनको अवार्ड मिला। इस बात की बहुत खुशी है और प्राउड फील होता है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह से कि हमेशा ऐसी मेहनत करते रहे और हमें इतने गुणीजनों के आदरणीय मंत्री जी, विकास जी से, इन सब से मुलाकात होती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे गौ भारत भारती जो मेरा अखबार है उसका ये दूसरा इस साल का पहला प्रतिभा सम्मान है जो मैंने तमाम विभूतियों को मैंने दिया है, वो अलग अलग फील्ड में लोगों को काम करते हैं। और इसी मौके पर मैं हमारे होम प्रोडक्शन की जो फिल्म है सॉरी मदन, उसका हमने मुहूर्त किया है। सॉरी मदन की जो लीड हीरोइन है सुरुचि शर्मा है, और ये एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो महिला प्रधान फिल्म होती है, उस पर ये पूरी आधारित फिल्म है। इसका जो म्यूजिक दे रहे हैं अली गनी है और आरव दे रहा है म्यूजिक उसमें, और नए स्टार का ये फिल्म है, ये हम जल्दी ही बना कर रिलीज करेंगे। सर आज आठवली जी आए आपके प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय रामदास आठवली जी के आने से मेरी मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपने साथ इस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद मुझे इस कार्यक्रम में मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है, और उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे मौका दिया बोलने के लिए, कहने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर जितने भी शील्ड हैं उसमें रामदास आठवले का ही आपने फोटो डाला, तो रामदास आठवले का फोटो इसलिए ट्रॉफी में है क्योंकि वो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, तो माननीय आठवले जी के हाथों से हमने अलग अलग लोगों को जो ट्रॉफी दिया तो उसलिए उनकी जो तस्वीरें हैं उनमें लगी हुई हैं। गौ भारत भारती का अगला प्रोग्राम क्या होने वाला? गौ भारत भारती का अगला कार्यक्रम मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, जहाँ पे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट हैं, और इसकी तैयारी भी चल रही है। मैंने सर अगर बात करें अवार्ड के साथ कितने लोगों को, मैंने 15-16 लोगों को अवार्ड दिया जो अलग अलग फील्ड के हैं, जो सिनेमा से हैं, कला से हैं, पत्रकारिता से हैं, साहित्य से हैं, ऐसे लोगों को मैंने सम्मानित किया, उनको इंकरेज करने के लिए मैं अवार्ड दिया। सर अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म मैंने कहा ना कि सॉरी मदर, ये एक महिला प्रधान फिल्म है, महिलाओं की जो वेदनाएं हैं, माँ की जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए जो वो चीज़ है, वो हमने उस बात से फिल्म में बताने की कोशिश की है कि कुछ भी हो माँ माँ होती है, वो बच्चों को कुछ भी सारे दुख सह के माँ बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, और उनको उस लायक इस काबिल बनाती है कि वो दुनिया से लड़ सकें और अपनी काबिलियत बता सकें। आप बताइए क्या कुछ शेयर करना? ये मेरी बेटी है, ये क्या शेयर करेगी? ये को प्रोड्यूसर है फिल्म की, जो सब तेल भी कुछ समझ हटा दीजिए, कुछ भी माँ हटा के बोलो, इंग्लिश में बोल दो। जो भी मैं जो पापा कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बस देखिए कब तक और अच्छा ठीक है। आप क्या शेयर कर रहे बस वही चाहता हूँ कि और आगे बढ़ते रहे और सब अच्छा काम करते रहे, हमेशा तरक्की करते रहे, सब वही चाहते हैं। आप आइए, आप पूछिए इनसे, पूछिए किरदार यही है कि जो औरतें होती हैं, औरतों के ऊपर ही आधारित हमारी मूवी हमारी फिल्म है, तो औरतें कैसे संघर्ष करती हैं, जिनका कोई नहीं रहता है, वो अकेले रहती हैं, अपनी राजेश भाई को बुला लो, इंटरव्यू में देखिए राजेश भाई अपनी कैसी वो बिताती है, वो क्या करती हैं, सब कुछ, तो ये इस फिल्म के माध्यम से हमने बताया है कि औरतों के ऊपर क्या कुछ होता है जब वो अकेली रहती हैं, और अपने बच्चे को या अपने जीवन को वो कैसे संभालती हैं और क्या करती हैं। आज बर्थडे भी था आपका, रामदास जी आए थे, आपकी खुशी हो रही है? जी मुझे बहुत खुशी है, और सबसे ज़्यादा वो खुशी मुझे इस मूवी की है, और मूवी की खुशी के साथ साथ ये है कि भी मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के मेरे इस अवसर पर संजय सर ने मेरे को ये मतलब सरप्राइज ही रहा है मेरे लिए, तो मेरी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं संजय सर जी का संजय सर जी की बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए मुझे चुना, उन्होंने समझा कि ये माँ का किरदार ये कर सकती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपका। कैसा इसका टाइटल ट्रैक बनाया मैंने, जिसमें जैसे जहाँ होती है हाँ वैसे ही माँ होती है।
संजय अमन जी की सॉरी मदर का आज लॉन्चिंग हुआ है और भारत के मंत्री रामदास अठावले की उपस्थिति में आज उनका लॉन्चिंग हुआ है। मैं संजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फिल्म के लिए और संजय जी हमेशा बहु भारत भारती ऐसी एक संस्था के लिए हमेशा समाज के अंदर में एक संदेश देने का कार्य करते हैं और उसी तरह से फिल्म के माध्यम से भी समाज के अंदर में एक अच्छा संदेश देंगे, यही आज के दिन में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो एक समाज सुधारक फिल्म बना रहे, जैसे उन्होंने पहले भी वाह जिंदगी बनाया था और अभी उन्होंने सॉरी मदर बनाया, तो बहुत ही अच्छा ये टाइटल उन्होंने चुना है। और जैसे वो गौ भारती करके एक न्यूज़पेपर चलाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही यानी प्रेरणादायक होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि संजय जी इसी तरह से हमारे समाज की सेवा करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज जी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और इन्होंने कभी भी किसी का प्रांत नहीं पूछा कि कौन से राज्य से आते हो, कौन से जात के हो, और सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी परेशानी आप लोग को भी अगर कहीं टाटा मेमोरियल में किसी प्रकार का वहां पर दिक्कत का सामना करना हुआ तो आप इनका नंबर ले लीजिएगा, कभी भी आप 24 घंटा कभी फ़ोन कीजिएगा। ये आपको ऐसे जगह पर मिलेंगे जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग कस्बे से इलाज के लिए लोग मुंबई आते हैं। मुझे तो इसका कल्पना भी नहीं थी मुझे मिलेगा करके। मुझे तो इसकी कल्पना भी नहीं थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा करके। मुझे तो सडनली सर ने फ़ोन किया और मैं आया। मैं तो ड्यूटी से ही आया हूँ क्योंकि मुझे तो कभी भी ऐसा उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ मुझे बुला के सम्मानित करेंगे सर। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं सर को। थैंक यू। आइए सर, शर्मा जी कहिए आज आपको अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और संजय भाई को बहुत थैंक यू, मैं जानता हूँ अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, बहुत अच्छी की बात है। और मैं कास्टिंग करता हूँ, बहुत सारे मैंने टीवी और आई बहुत सारी कास्टिंग की हुई है तो उसके वजह से मुझे आज बहुत। सर आप क्या कहना? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू टू संजय जी जो आज कोविड के बाद ही जो एक नया नॉर्मल है, जब हम सब धीरे धीरे साथ आगे बढ़ रहे हैं इस नए दौर में, सब साथ आए हैं और इंडस्ट्री को फिर से एक नया स्टार्ट मिल रहा है। और अवार्ड शो का बहुत इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होता है किसी भी कलाकार, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एंकर हो, कोई भी हो, उसके जीवन में, बिकॉज एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग ऑल ऑफ अस। जिनका हीरोइन सुरुचि जी और इसमें मेरा रोल है संगीतकार और स्टोरी बहुत ही अच्छे हैं, जिस स्टोरी में हम लोग आगे चल के काम करें और मज़ा आए और फिल्म बहुत जल्दी से जल्दी अपना शुरू हो जाए। अवार्ड हुआ और साथ में फिल्म का लॉन्च हुआ, आप आए, बहुत खुशी हुई थी। सबसे पहले मैं संजय शर्मा अमान जी को आज के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो उनकी फिल्म सॉरी मदर का मुहूर्त हुआ है। और दूसरा आज ग्रेट यंग अचीवर अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं तो ये दोनों कार्यक्रमों के लिए मैं संजय शर्मा अमान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास अठावले साहब आए थे, सुनील पाल जी जो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, और बहुत सारे लोगों को अवार्ड से आज सम्मानित किया गया, जिसमें मॉरिस नरोना जी हैं जिन्होंने कोविड में लगभग 10 लाख लोगों को खाना खिलाया, डॉक्टर खालिद सेठ जिन्होंने कोविड के समय लोगों की बहुत मदद की, और बहुत सारे हमारे म्यूजिशियन जिसमें SP सेन साहब हैं और पेंटाली सेन जी जो फिल्म अभिनेत्री हैं, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार यहाँ पर आए और उनको यंगर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और मैं उनको बधाई देता हूँ।